गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू के स्टडी प्लेटफॉर्म। जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस लेके आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन और क्या है, उसका पद क्या है, कौन 2020 में उसका पद दिया गया है, उसके बारे में सारे डिटेल्स दिए हैं। पिछले वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए थे और इस वीडियो में 15 क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जनरल नॉलेज से रिलेटेड है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? अजीत डोभाल, दत्ता पड्सलगीकर, अनूप कुमार, मेहंदी रत्ता, विक्रम सेठ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें ऑप्शन ऑप्शन बी सी हो जाएगा। दत्ता पड्सलगीकर जो है हाल ही में राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार बने, ऑप्शन बी सी इसको आप देखना इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सत्रहवां प्रश्न है, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम प्रकाश बिरला, मीरा कुमार, जीवी गोवलकर, इनमें से कोई नहीं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओम प्रकाश बिरला जो है 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं, इसको पता नहीं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ओम प्रकाश बिरला लोकसभा के नए अध्यक्ष हैं 17वीं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है, वर्तमान में राज्यसभा अध्यक्ष कौन है? ओपी बिरला, एम वेंकैया नायडू, हरिवंश नारायण सिंह, इनमें से कोई नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें ऑप्शन बी सी हो जाएगा। एम वेंकैया नायडू जो है वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? सुनील अरोड़ा, सुनील चंद्र, अशोक लवासा, संजय कोठारी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें ऑप्शन ए सी हो जाएगा। सुनील अरोड़ा को जो है भारत के मुख्य आयुक्त बने हैं, इसको पहले देखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुनील अरोड़ा को जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, ऑप्शन ए सी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है, 20वां प्रश्न है इसमें, वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? सुधीर भार्गव, राजीव कुमार, सुनील चंद्रा, विमल जुल्का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें ऑप्शन डी सी हो जाएगा। विमल जुल्का जो है वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं, तो इसको आप याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है विमला जुल्क। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है, हाल ही में मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? सुनील अरोड़ा, सुनील चंद्र, अशोक लवासा, संजय कोठारी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसमें ऑप्शन डी सी हो जाएगा, संजय कोठारी। हाल ही में मुख्य सतर्कता आयोग के जो नियुक्ति हुई है वो है संजय कोठारी को जो है मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, ऑप्शन डी सी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है, मतलब हाल ही में भारत के लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? राजीव महर्षि, गिरिराज प्रसाद गुप्ता, सोमा राय वर्मन, राजीव कुमार। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन सी से जाएगा इसमें। सोमा राय वर्मन जो है हाल ही में भारत के लेखा महानियंत्रक CGA के नियंत्रक बने हैं, इसको पता नहीं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन सी सी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कौन है? राजीव महर्षि, राजीव कुमार, गिरिराज प्रसाद गुप्ता, अरविंद जैन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसमें ऑप्शन ए सी हो जाएगा, राजीव महर्षि। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG राजीव महर्षि हैं, इसको आप देखने इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजीव महर्षि, ऑप्शन ए सी है। 24वां प्रश्न देखते हैं, भारत के महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है? KK वेणुगोपाल, सामंत कुमार गोयल, राजीव महर्षि, इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 24वां का ऑप्शन ए सी हो जाएगा, KK वेणुगोपाल जो भारत के महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल हैं, ऑप्शन ए सी है, KK वेणुगोपाल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देते हैं। 25वां प्रश्न है, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता, राजेंद्र चंद्र, KK वेणुगोपाल, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सी हो जाएगा इसमें, तुषार मेहता। भारत के सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको पता रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न है, RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, ओस बोर्न स्मिथ, CD देशमुख, अंशुला कांत। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसमें ऑप्शन ए सी हो जाएगा,
शक्तिकांत दास, आरबीआई के गवर्नर जनरल जो है शक्तिकांत दास हैं। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको अभी देखने इम्पोर्टेंट प्रश्न इसको बना ले। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 27वां प्रश्न, यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? अरविंद सक्सेना, नितिन गडकरी, आर के माथुर, इनमें से कौन है? इम्पोर्टेंट है, तो इसमें ऑप्शन ए सी हो जाएगा, अरविंद सक्सेना जो है यूपीएससी के नए अध्यक्ष बन गए, ये याद रखना है। इसमें यूपीएससी के नए अध्यक्ष अरविंद सक्सेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 28वां है, रेलवे बोर्ड के दोबारा से अध्यक्ष कौन बने? वी के यादव, पीयूष गोयल, अश्विनी लोहानी, इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसमें ऑप्शन ए सी में जाएगा, वी के यादव। रेलवे बोर्ड के दोबारा से अध्यक्ष जो है वी के यादव बने। एयर इंडिया के नए चेयरमैन कौन है? अश्विनी लोहानी, विनय दुबे, अजीत मोहंती, राजीव बंसल। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसमें ऑप्शन डी सी हो जाएगा, राजीव बंसल जो है एयर इंडिया के नए चेयरमैन बने। इसको आप याद रखने, राजीव बंसल जो है एयर इंडिया के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, ऑप्शन डी सी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 30वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, प्रसार भारती के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सूर्य प्रकाश, रविशंकर, सूर्यकांत त्रिपाठी, इनमें से कौन? ऑप्शन ए सी हो जाएगा, ए सूर्य प्रकाश जो है प्रसार भारत के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसको अभी देखने, प्रसार भारती के अध्यक्ष जो हैं वर्तमान में ए सूर्यकांत हैं। इसको अभी देखने, ऑप्शन ए सही है। सो हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करें। वीके स्टडी प्लेटफॉर्म, और वीके स्टडी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहे हैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, डेली करेंट अफेयर्स, रेगुलर क्लासेस और पीडीएफ प्रोवाइड करता है टेलीग्राम ग्रुप से। ट्रिक और कंसेप्ट क्लियर करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। यहाँ पे एसएससी के क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं, रेलवे के, एनटीपीसी के, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उन सब के क्वेश्चंस कम्प्लीटली आपको सॉल्व कराए जाते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, लाइक करें और सब्सक्राइब करें बिल्कुल।